उधर बलराज कुंडू ने एक बार फिर से मनीष ग्रोवर पर रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में मनीष ग्रोवर ने चुप्पी साध रखी और जवाब देने से मना कर दिया। मैंने उस दिन भी बताया था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आज मैं आपके समक्ष उस चीज को रखना चाहता हूँ। आपने ये FIR पढ़ी होगी, इसमें FIR में लिखा हुआ है कि नरेंद्र धनखड़ की शिकायत जो IG साहब को दी वो SP के माध्यम से DSP गोरखपाल जी के पास पहुंची, और DSP गोरखपाल जी ने मुझे भी उस बारे में फोन किया, जी ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, आप इस पे अपना बयान दर्ज कराओ। पुरानी रंजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक आरोप खत्म नहीं होता कि दूसरा तैयार रहता है, और बलराज कुंडू के दर्द आए दिन सामने आते ही रहते हैं। और एक बार फिर से बलराज कुंडू ने पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि अपने बेटे और बहू के नाम से कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ग्रोवर ने किया है, और इसी तरह की आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ मनीष ग्रोवर के सारे पर FIR दर्ज हुई है। इसी फर्जी FIR के संदर्भ में बलराज कुंडू ने रोहतक के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने FIR के संबंध में DSP के साथ अपनी बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। फाइल कर दी बलराज कुंडू के लगाए आरोपों पर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने जवाब तक नहीं दिया और कहा कि आरोप उन्होंने लगाया है तो जवाब भी वो ही देंगे। इस विषय में मैं नहीं बोलना चाहता, आप अपना आकलन कर लो, कैमरे से जाके उनसे पूछ लो। नहीं ग्रोवर साहब, उन्होंने इस विषय में मैं नहीं बोलना चाहता, आप अपना आकलन कर लो, कैमरे से जाके उनसे पूछ लो। दरअसल बलराज कुंडू ने आरोप लगाया था कि मनीष ग्रोवर ने अपने बेटे और बहू के नाम से MSG नाम की एक कंपनी बनाई है, जो पानीपत नंबर 1 शराब बनाने वाली कंपनी को बोतल में ढक्कन सप्लाई करती है, और ग्रोवर ने अपने मंत्रालय के पद का फायदा उठाते हुए पिछले टेंडर से लगभग 1.5 गुना टेंडर पर ये सारा काम लिया है। किस प्रकार से इस आदमी ने रोहतक शहर को कैप्चर करके लूटने का काम किया है। यहाँ जितनी कॉलोनियां आप चारों तरफ देखेंगे, उन सब पे पहले शिकंजा कसा हुआ, आप जाकर देख सकते हो, उनमें तोड़ फोड़ हुई होगी, और कुछ दिन के बाद उस सारी कॉलोनियों की प्लॉट भी कट गए, डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि वहां पे 200 रुपए गज के हिसाब से मंत्री महोदय का जिसने फिक्स कर दिया, वह दुकानदारी चलती गई चारों तरफ। बलराज कुंडू का आरोप लगाना और मनीष ग्रोवर के उस आरोप पर कोई जवाब न देना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति की गलियों में गूंज रहे हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।